अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमें ग्रामर नहीं आती इसलिए हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। इंग्लिश ना बोलने की वजह ग्रामर है ही नहीं। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि ग्रामर नहीं आती तो हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश का, इंग्लिश बोलने का तल्लक ग्रामर से बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम फर उर्दू में बात कर रहे होते हैं, जो पख्तून है वो पश्तों में बात कर रहे होते हैं, जो सराइकी हैं वो सराइकी में बात कर रहे होते हैं। तो क्या इन लोगों को उर्दू, पश्तो या सराइकी लैंग्वेज की ग्रामर आती है? बिल्कुल नहीं आती। तो इसलिए इंग्लिश बोलने का भी ग्रामर आने या ना आने से कोई लिंक नहीं है। इससे रिलेटेड हमने इस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस प्रिपेयर किए हैं, तो आप भी इन सेंटेंसेस की स्पीकिंग प्रैक्टिस करें और आपको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि स्पीकिंग इंग्लिश के लिए ग्रामर का आना ज़रूरी नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको किससे मिलना है, ये कॉमनली हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको इंग्लिश में इस तरह हम प्रोनाउंस करेंगे, हाउ डू यू वांट टू मीट, हाउ डू यू वांट टू मीट। मैं किससे पूछूं, कोई बात पूछनी है तो हम इंक्वायर करते हैं कि भाई कोई ऐसा बंदा नहीं है तो मैं किससे पूछूं, इसको इंग्लिश में कहेंगे होम डू आई आस्क, होम डू आई आस्क। मुझे हल्के में मत लो, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। इतना ज्यादा मत इतराओ, मतलब बहुत ज्यादा फखर नहीं करो अपने आप पे, गुरूर नहीं करो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट फ्लॉन्ट टू मच, डोंट फ्लॉन्ट टू मच। तुम बहुत बुलक्कड़ हो, एक ऐसा बंदा जो भूल जाता है, बातें भूल जाता है, जो उसे काम किए हों वो भूल जाता है, तो उसको हम कहते हैं बुलक्कड़। तुम बहुत बुलक्कड़ हो, यू आर वेरी फॉरगेटफुल, यू आर वेरी फॉरगेटफुल। वहां जाने का क्या फायदा, इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स नो यूज गोइंग देयर, इट्स नो यूज गोइंग देयर। मेरे साथ बहस मत करो या मेरे साथ बहस करना बंद करो, स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी, स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी। तुम्हारी सोच छोटी है, यू हैव चीप मेंटेलिटी, यू हैव चीप मेंटेलिटी। ये पंखा किसी काम का नहीं, इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस फैन इज यूजलेस, दिस फैन इज यूजलेस। मुझे कोई एतराज नहीं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मैं भी यही कहने वाला था, आई वॉज अबाउट टू से दिस, आई वॉज अबाउट टू से दिस। जो हो गया सो हो गया, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। वेल फ्रेंड, दिस इज़ आवर टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा,
और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलरली इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।